पटुदा भोजा सर बड़ा हापास भुरियो की ढाणी सिगडोला बड़ा धाण बाजडोली मीरण सोला ढाणी चारस नरसास डूटासरा अलगपुरा बोगन दर्जनों भर गांव में भाजपा प्रत्याशी सुभाष महरिया ने गुरुवार को तूफानी दौरा किया। महरिया ने कहा कि सार्वजनिक का मुंह का फैसला गांव के चौक में होना चाहिए था, लेकिन स्थानीय विधायक ने गांव गांव में बिचौलिया बना दिए। पिपली का मामला जग जग सड़क सड़क टूट रही है। 15 साल में भ्रष्टाचार किया गोविंद सिंह डोटासरा ने और कुछ नहीं किया। जो माहौल है भाजपा का, सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले रखा है। महरिया ने कहा कि पाटोदा में सुनता हूं कि पाटोदा की पावर नरेगा के रजिस्टर में छप गई। उनको ये पता नहीं है कि नरेगा के रजिस्टर चेक होंगे तो जैसे राजस्थान सरकार की लाल डायरी है, वैसे ही पाटोदा गाँव की नरेगा डायरी कैसे खोली जाती है उसकी चाबी सुभाष महरिया को अच्छी तरह आती है। गमंडी बाबू ऐसी भाषा बोलते है ना, स्वाभिमान कार्यकर्ता डोटासरा के बड़बोले जवाब से वोट से देगा। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता सतीश पाटोदा ने कहा कि सुभाष में महरिया ने 1992 से विकास के कार्य करवाए। सुभाष महरिया ने पाटोदा में करोड़ों रुपए का कार्य करवाया। इस अवसर पर डॉक्टर रामदेव चौधरी, लक्ष्मण राम रॉयल, रामचंद्र बगड़िया, अशोक चौधरी, नेता प्रतिपक्ष प्रहलाद सिंह पुरी, राजकुमार महला, भंवरलाल शर्मा, सरपंच राधा रानी, मोहन सिंह बठोट, नरेश मंडीवाल, खुमाराम ढाका, हनुमान सिंह शेखावत, मनोज सिंघानिया, प्रमोद सिंघानिया, गाड़ूदास सरपंच, खीरवा सरपंच, लग आलचंद ढाका, पाटोदा सुवीर सिंह शेखावत, पुरी गोपाल धायलपुर धान, दारूराम चाहर आदि साथ रहे। और संत गणपतनाथ जी बिहारीनाथ जी की पुण्य भूमि है, इस पर समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दो चार बात थोड़ी वोट की बात जानकारी है। सतीश तू बता दिया आपने गाँव का जो विकास के बारे में, विकास पुरुष कई है, विकास पुरुष तो 15 वर्ष पहले तो आप कह रहे होंगे कि हम आयोजन का बिल लक्ष्मण की होनी और धूल उठती, और बाद में मैं बता दूँ कि 15 वर्ष पहले हमारे सीकर की लक्ष्मण की श्रद्धा हो चुकी बाबू सुभाष जी वहाँ पर। पिछला 5 वर्ष की बात है, मंत्री है और इस पिछला 5 वर्ष बीजेपी का